बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, मुझे आपसे मोहब्बत है। ये बात सच है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के रूह अनवर का दीदार नहीं किया। आपकी शीरीं आवाज़ मेरे कानों में नहीं घुली। किसी सफ़र में मैं आपका हमरा नहीं बन सका। और ये भी सच है कि मैं उहद में सुपुर्द खाक व खून ना हुआ, बदर में अरबाब कुफर से गुतम गुता ना हुआ, ना हिजरत की राहों में निकला, ना अंसार की सफ़ों में शामिल हो सका। ये नौबत भी नहीं आ सकी कि मैं हर्रा के बाहर आपको ज़्यादे राह पहुँचा आता। मगर ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, मुझे आपसे मोहब्बत है। मोहब्बत के शोले मेरे दिल को राख राख किए देते हैं। क्या इस बेडंगी मोहब्बत के कबूल होने का कोई रास्ता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, यकीनन मुझसे ताहिर हुई है, मगर मामला मेरे बस में नहीं था। हम मुझे इख्तियार होता तो शायद मैं जल्दी करता, लेकिन एक चीज़ खटक जाती है कि क्या मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सहाबा के सामने टिक पाता, वो अंस के जो सरापाए मोहब्बत बने रहे, इस्लाम की कुव्वत का बायस बनने वाले उमर, तने तनहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाले अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हमा वक्त के नासर व वज़ीर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बारहा माल लुटाने वाले उस्मान, वो हमज़ा, वो साद, वो खालिद, मैं कौन और क्या होता उन हस्तियों के सामने? मेरा इस्लाम तो मुझे वालिद से मिला। बड़े शर्फ व आसाइश के साथ मैंने बलाल को सदाए तकबीर बुलंद करते नहीं सुना। मेरे जिस्म को गर्म रेत पर बुना नहीं गया। मेरे हाथों से कोई बुत पाश पाश नहीं हुआ, ना ही कुफर के लश्करों से कभी सामना हुआ। कभी कोई तीर मेरे सीने के पार नहीं उतरा। बस ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, मैं बेबज़ात व बेसलीका एक उम्मती हूँ कि जिसके सीने में एक दिल आपकी याद में मुसलसल धड़कता है। अल्लाह की कसम, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मोहब्बत है और यही मेरी निजात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम।